हेलो, तड़प रहे थे ना बहुत। ये लो एक थ्योरी वीडियो। आज की वीडियो लेकिन ओरिजिनल थ्योरी वीडियो नहीं है, मतलब है बट थोड़ा सा मैंने दूसरे थ्योरी से भी इंस्पायर हुआ है इस थ्योरी को बनाने में। एक्चुअली दूसरे एक थ्योरी को देख के मेरे दिमाग में इस थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें क्लिक हुई है। दिस थ्योरी इज अबाउट एंशियंट किंगडम, वन पीस, जॉयबर्स ड्रीम, वर्ल्ड सेंचुरी, एंशियंट वेपन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीडियो लास्ट तक देखो क्योंकि आई फील लाइक ये थ्योरी तुम्हें फार लगेगी। मांगा स्पॉयलर्स अलर्ट एंड लेट्स बिगिन। अब ये जो थ्योरी है ना, ये मैंने बहुत पहले सोच लिया था बट मैं कभी इस थ्योरी पे वीडियो नहीं लाया क्योंकि मुझे यकीन था कि ये थ्योरी मुझसे पहले किसी ना किसी ने सोच रखा होगा। लेकिन अब मैं इस पे वीडियो बना रहा क्योंकि रिसेंटली जो सो कॉल्ड वन पीस के एंडिंग लीक हुई है ना, उसको रीड करते टाइम मुझे इस थ्योरी से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी चीज़ क्लिक हुई एंड उधर से मैंने मन बना लिया कि हाँ चलो इस पे अब वीडियो बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी पैंजिया कैसल, क्योंकि पैंजिया कैसल डायरेक्टली कनेक्टेड है एंशियंट और ग्रेट किंगडम से। फॉर दोज हु डोंट नो, पैंजिया कैसल इज द कैसल जहाँ पर इमसामा रहता है। नाउ ये जो वर्ड पैंजिया है ना, ये वर्ड ओडा ने एक रियल थ्योरी से उठाया है। ज्योग्राफी वालों को पता होगा कि देर इज़ अ वेरी पॉपुलर थ्योरी कॉल्ड कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर। इस थ्योरी में वेगनर ने बोला था कि हमारा जो अर्थ है ना, उसमें जो अभी 7 कॉन्टिनेंट्स है, 200 मिलियन साल पहले ये 7 कॉन्टिनेंट्स एक सिंगल लैंडमास था, एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, एंड आज जो 5 ओशियंस है वो भी एक सिंगल ओशियन था। वेगनर ने अपनी थ्योरी में इस सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया नाम दिया था एंड इस सिंगल ओशियन को पैंथलासा। इस थ्योरी को यूज़ करके ही बाद में बहुत जियोलॉजिस्ट्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी प्रपोज किए। ये थ्योरी मैं तुम्हें इसलिए पूरा समझाया क्योंकि ये थ्योरी का आइडिया होना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी है मेरे इस थ्योरी को समझने के लिए। तो ओडा ने डायरेक्टली पैंजिया वर्ड को इस थ्योरी से उठा के इमसामा के कैसल का नाम उस पर रख दिया। बट वाई? वेल, आई थिंक दिस इज़ अ हिंट ऑफ ओडा टू अस। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे रियल लाइफ में पैंजिया था, वैसे ही वन पीस में भी एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सिंगल लैंडमास, एंड ये लैंडमास ही था हमारा ग्रेट किंगडम, जिसे एंशियंट किंगडम ही बोला जाता है। एंड जो हमारा पैंजिया कैसल है ना, ये एक रेप्लिका है ऑफ द ओरिजिनल कैसल ऑफ ग्रेट किंगडम। क्योंकि 800 साल पहले जब 20 किंगडम्स की अलायंस वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी थी, तब ऑब्वियसली वो एक कैसल से में ही रहते होंगे ना। लेकिन मरीजवा तो उस टाइम था ही नहीं, राइट? आई मीन भाई, मरीजवा तो बाद में बना ना लूनेरियंस को भगा के रेड लाइन के ऊपर। मरीजवा के ओरिजिन पे एक छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यू रिमेंबर मार्को के फ्लैशबैक में हमें पता चला था कि लूनेरियंस पहले रहते थे रेड लाइन पर। नाउ सी, वर्ल्ड गवर्नमेंट बिना पावर में आए तो ऑब्वियसली मरीजवा नहीं बनाए थे, राइट? आफ्टर ऑल मरीजवा इज मेड फॉर सिलेस्टियल ड्रैगन्स, एंड सिलेस्टियल ड्रैगन्स 800 साल पहले ही बने थे ना सिलेस्टियल ड्रैगन्स। उससे पहले तो थे नहीं वो, लाइक उससे पहले तो वो दल्ले थे। एंड वेगापंक ने जो जायंट रोबोट के बारे में बताया था जिसने मरीजवा पे अटैक किया था, उससे हमें पता चलता है कि मरीजवा कम से कम 200 साल पहले से है। मतलब मरीजवा बना था पिछले 800 साल से 200 साल के बीच में कभी। कमिंग बैक टू माई थ्योरी, तो ये पैंजिया कैसल रेप्लिका है ऑफ द कैसल ऑफ ग्रेट किंगडम। नाउ इधर पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रेट किंगडम का नाम पैंजिया था क्योंकि ये रेप्लिका वाले कैसल का नाम पैंजिया है, तो नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कोई सीन है। क्योंकि ओडा भाई पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थोड़ी ना छाप देगा। लेकिन ओडा ने हमें ये हिंट देने के लिए कि वन पीस में भी एक टाइम पर एक सिंगल लैंडमार्क था, उन्होंने इमसामा के कैसल का नाम पैंजिया कैसल रख दिया। एंड हाँ, इस चीज़ को ग्रेट किंगडम ये वर्ड भी काफ़ी हद तक जस्टिफाई करता है। ग्रेट किंगडम, बड़ा किंगडम, ब्र, इट वॉज अ सिंगल लैंडमार्क। क्लोवर ने भी यही बोला था, रिमेंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनॉर्मस और ग्रेट किंगडम। तो या मे बी दिस ग्रेट किंगडम वॉज अ सिंगल लैंडमार्क, बट वॉट वॉज द नेम ऑफ दिस ग्रेट किंगडम, ये मैं लास्ट में बताएगा, ठीक है? बाय द वे, आई ऑल्सो थिंक दैट इस ग्रेट किंगडम के अलावा भी कुछ छोटे मोटे आइलैंड थे उस टाइम पर अलग से, जैसे कि वानो एंड फिशमैन आइलैंड एंड जुनेशा भी ऑब्वियसली। इधर तक का जो थ्योरी है, ये आई एम श्योर पहले भी करोड़ लोगों ने बना रखा है एंड तुम में से भी बहुतों ने पहले से इसको सुन रखा होगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि ये ग्रेट किंगडम का क्या हुआ? क्या ये वैनिश हो गया? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि जैसे पैंजिया हमारे रियल वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स में टूट गया था, वैसे ही ये ग्रेट किंगडम भी शायद 800 साल पहले टूट गया। एंड आज जितने भी वन पीस वर्ल्ड में आइलैंड्स हैं, वो सारे शायद मिलके एक टाइम पर ग्रेट किंगडम थे। लेकिन एक और क्वेश्चन उठता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि कैसे भाई ये ग्रेट किंगडम कैसे टूटा इतने सारे पीसेस में। इस चीज़ का आंसर मुझे मिला रिसेंट वन पीस के सो कॉल्ड लीक से।
तो ये जो सो कॉल्ड लीक्स के नाम पर थ्योरी निकली है ना कुछ हफ्ते पहले, उनमें भी ऐसा ही लिखा है कि ग्रेट किंगडम बहुत बड़ा सा किंगडम था, फिर वो टूट गया इन पीसेस। एंड इस थ्योरी को बनाने वाले बंदे ने बोला है कि इमसामा ने यूरेनस यूज़ किया फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रॉइंग सम आइलैंड, आई गेस। मेरे को याद नहीं ढंग से क्योंकि मैंने पूरा ढंग से पढ़ा नहीं था। इस चीज़ को देख के मेरे दिमाग में भी क्लिक किया कि हाँ भाई, एंशियंट वेपन्स भाई, उसी से तो हो सकता है ऐसा कुछ। मेरे दिमाग पहले क्यों नहीं आया था पता नहीं। उनको यूज़ करके ऐसे पूरी दुनिया को पीसेस में तोड़ा जा सकता है। बट इधर पर क्वेश्चन आता है, वाई कि उस टाइम की वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ग्रेट किंगडम को तोड़ा। मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया इस चीज़ पर, एंड मेरे तरफ से एक ही कंक्लूजन निकला कि शायद उस टाइम की वर्ल्ड गवर्नमेंट और इमुसामा, अगर वो उस टाइम भी एग्जिस्ट करता था, ने ग्रेट किंगडम को पीसेस में तोड़ दिया ताकि वो फर्स्ट जॉयबॉय का इन्फ्लुएंस ऑन ग्रेट किंगडम ख़त्म कर सके, जो कि हुआ भी। क्योंकि अभी के टाइम पर वर्ल्ड गवर्नमेंट जितने आइलैंड्स पर रूल करती है उन पर जॉयबॉय को सब भूल गए हैं भाई। ओनली आइलैंड्स लाइक वानो एंड फिशमैन आइलैंड, जो अलग थे ग्रेट किंगडम से ड्यूरिंग वर्ल्ड सेंचुरी, दे ओनली नो अ लिटिल बिट अबाउट जॉयबॉय। एंड अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि किस एंशियंट वेपन से ग्रेट किंगडम पीसेस में टूट गया, तो इट्स ऑब्वियसली दिस वेपन ईमू यूज्ड ऑन लुलुशिया, विच इज़ मोस्ट लाइकली यूरेनस। वैसे भी प्लूटोन और पोसाइडन तो भाई जॉयबॉय के पास थे ना। इधर पर अगर कोई ये पूछने वाला है कि यूरेनस को यूज़ करके ईमू ने वानो और फिशमैन आइलैंड को भी क्यों नहीं उड़ा दिया, तो भाई आई डोंट नो। वो तो ईमू अभी भी कर सकता है, बट वो नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न। शायद इसलिए क्योंकि यूरेनस को वंस इन अ वाइल ही यूज़ किया जा सकता है, मे बी, पता नहीं। इस यूरेनस पे अलग से डिटेल में मैं बात करूँगा किसी दूसरे वीडियो में। यहाँ तक थ्योरी सबको समझ आ गया ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉयबॉयज ड्रीम। रॉजर जब लाफ्टेल पहुंचा था, सबको पता है राइट कि उसने क्या बोला था ना। वो सब समझ गए ना कि उसे जॉयबॉय के एरा में क्यों रहना था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी हाउ द ग्रेट किंगडम एंड द सिंगल लैंडमास लुक्ड लाइक। एंड यू नो व्हाट वाज फनी टू रॉजर एंड हिज क्रूमेट्स, द फैक्ट दैट अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ग्रेट किंगडम को पीसेस में स्प्लिट नहीं करती तो पायरेट्स एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं। सोचो भाई, सिंगल लैंडमास में पायरेट्स कहाँ घूमते उस टाइम। अगर ग्रेट किंगडम के अलावा छोटे छोटे आइलैंड्स भी थे जैसे कि वानो एंड फिशमैन आइलैंड, तो भी भाई सी में ट्रैवल करना काफ़ी लिमिटेड होता एज़ कम्पेयर टू नाउ। अच्छा, हम लोग जॉयबॉय के ड्रीम के बारे में बात कर रहे थे ना, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इफ़ यू थिंक कि इमुसामा ने, अगर वो उस टाइम पे था, यूरेनस की हेल्प से ही जॉयबॉय को मारा था, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि जॉयबॉय वानो भी तो गया था ना शायद से, वहीं पर शायद उसने प्लूटोन को छुपाया और पुनिक्लिक्स का फॉर्मेशन भी हुआ वहाँ पर। चलो अब बात कर ही लेते हैं अबाउट जॉयबॉयज ड्रीम। फाइनली मैं थोड़ा सा भटक गया था, सॉरी। जब रॉजर लाफ्टेल पहुंचा था, आई डोंट थिंक उसे वहां पर वन पीस मिला था, रादर उसे वहां पर हिस्ट्री के बारे में सब कुछ समझ आ गया एंड उसे जॉयबॉय के ड्रीम के बारे में पता चला, विच इज़ टू क्रिएट ग्रेट किंगडम अगेन। यस, व्हाट आई थिंक इज़ कि जॉयबॉय का यही लास्ट मैसेज था कि जितने भी आइलैंड्स हैं अभी के टाइम पर, वो वापस से मिलके ग्रेट किंगडम बने। साउंड्स अब्सर्ड, आई नो। अब ये कैसे पॉसिबल है यू माइट आस्क, राइट? विद द हेल्प ऑफ टू पीपल और मे बी थ्री, फ्यूचर जॉयबॉय पोसाइडन एंड मे बी लैंड गॉड। लैंड गॉड को थोड़ा सा साइड में रखता है मैं, ठीक है, अभी के लिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पूरे बिखरे हुए वर्ल्ड को वापस से एक बनाने के लिए पोसाइडन एंड निका फ्रूट के पावर्स मस्ट है। पोसाइडन हैज़ द पावर टू कंट्रोल सी किंग्स, एंड सी किंग्स पूरे वन पीस वर्ल्ड में बहुत हैं एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सी क्रिएचर्स भी है सी किंग। तो पोसाइडन कैन कमांड सी किंग्स टू मूव द आइलैंड्स, एंड लूफी, वेल, ही कैन मेक द आइलैंड्स रबर फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड मर्ज देम विद ईच अदर एंड मेक देम लैंड अगेन। ये बहुत अपसर्ड साउंड करता है, आई नो, बट ब्र, लूफीज फ्रूट इज इट सेल्फ अपसर्ड, लेकिन ये जस्टिफिकेशन भी काफ़ी सुअर है। एंड इस वाली पर्टिकुलर चीज़ का एक प्लॉट होल भी है कि जब भी कोई अवेकेंड यूज़र अपने सराउंडिंग के प्रॉपर्टी को चेंज करता है, आफ्टर सम टाइम वो सराउंडिंग नॉर्मल हो जाता है। तो लूफी अगर आइलैंड्स को रबर बना के जोड़ने की कोशिश भी किया तो भी वो आइलैंड्स तो वापस से पुराने शेप में चले जाएंगे ना। सही बात है, बट इधर पर ऐसा भी हो सकता है कि निका फ्रूट का अवेकनिंग एक्सेप्शन है एक। वैसे भी भाई लूफी का फ्रूट अभी तक का इकलौता ऐसा फ्रूट है जो मिथिकल जवान होकर भी पैरामिस अवेकनिंग भी ग्रांट करता है यूज़र को। तो मे बी लूफी कैन एक्चुअली परमानेंटली चेंज हिज सराउंडिंग्स प्रॉपर्टी इफ ही वॉन्ट्स टू। शायद ऐसा करके ही जॉयबॉय ने प्लूटोन को भी छुपाया था वानो में, उसने शायद वानो के साइड्स के लैंड को स्ट्रेच करके वॉल्स बना दिया, मे बी, पता नहीं। बहुत चूतिया साउंड कर रहा हूँ मैं, आई नो। अगर ऐसा केस नहीं है तो हो सकता है देर वॉज अ डेविल फ्रूट यूजर हु हैड द पावर्स रिलेटेड टू लैंड, जिसकी हेल्प से प्लूटोन को जॉयबॉय वानो में छुपा पाया था। लैंड गॉड फ्रूट यूज़र में भी, एंड शायद इसी लैंड गॉड फ्रूट यूज़र का करंट ओनर लूफी की हेल्प करेगा इन फ्यूचर टू मेक ग्रेट किंगडम अगेन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे हिसाब से ग्रेट किंगडम का नाम क्या था। वन पीस, यही था, द सिंगल पीस ऑफ लैंड, वन पीस। एंड इसके आजू बाजू जो सिंगल ओशियन था,
दैट वॉज ऑल ब्लू, विच मीन्स लूफी सारे आइलैंड्स को मिला के नॉट ओनली वन पीस बनाएगा बट ऑल्सो ऑल ब्लू बनाएगा. दिस इज अनदर रीजन वाई रॉजर लाफ्ड, बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट वन पीस इज नॉट जस्ट अ मियर ट्रेजर, इट्स द ड्रीम ट्रेजर ऑफ जॉय बॉय एंड ओनली फ्यूचर जॉय बॉय कैन मेक इट ट्रू. विद दिस आई रेस्ट माई थ्योरी. अब बिफोर कमेंटिंग द प्लॉट होल्स ऑफ दिस थ्योरी, डोंट इवन ट्राई डूइंग इट, क्योंकि मैं अभी खुद से ही सारे प्लॉट होल्स बताने वाला हूँ. लमाओ, फर्स्ट मैंने इस पूरी थ्योरी में रेड लाइन का मेंशन नहीं किया. भाई ये एक बहुत बड़ा प्लॉट होल है भाई. सिंगल लैंडमास था तो रेड लाइन कहाँ पर था? इसका आंसर है कि शायद रेड लाइन बाद में बना. मे बी द लैंड गॉड फ्रूट यूजर मेड इट टू मेक इट हार्ड फॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट टू रूल ऑन एंटायर वर्ल्ड. शायद रेड लाइन बना जस्ट आफ्टर 20 किंगडम्स की अलायंस केम इन पावर, मतलब 800 साल पहले, एंड फिर लूनेरियंस उधर रहने लग गए एंड बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट उनको भगा के उधर रहने लग गई. दूसरा प्लॉट होल जुनेशा, उसका रोल मैंने समझाया ही नहीं क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आया. लमाओ, तीसरा प्लॉट होल द लैंड गॉड फ्रूट यूज़र. आई डोंट रियली थिंक कि ओडा अब जाके एक ऐसे न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेगा जो जॉय बॉय के ड्रीम को अचीव करने में लूफी की डायरेक्टली हेल्प करेगा. चौथा प्लॉट होल दिस इमेज ऑफ ग्रेट किंगडम. इट्स पॉसिबल कि क्लोवर ने जो ग्रेट किंगडम का पिक्चर इमेजिन किया था वो गलत था या फिर उससे काफ़ी अलग दिखता था एक्चुअल ग्रेट किंगडम, बट स्टिल अगर ये पिक्चर गलत है तो ओडा को ज़रूरत ही क्या थी इसको बनाने की, राइट? लेकिन सोचो अगर ये सच होता है एंड लूफी लास्ट में पूरी दुनिया को वापस से ग्रेट किंगडम बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या होगा? पायरेट एरा खत्म हो जाएगा भाई. अ परफेक्ट एंड टू वन पीस आई गेस विद द क्रिएशन ऑफ वन पीस. लॉ एंड हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि अगर कोई इस चीज़ से कन्विंस हो गया है कि ग्रेट किंगडम सिंगल लैंडमास था बट दे डोंट बिलीव कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसको टुकड़ों में बांटा, तो आई वांट टू से कि अगर वन पीस में भी प्लेट टेक्टोनिक्स है तो भी इट्स नॉट पॉसिबल कि सिर्फ 800 साल में ही इतने टुकड़े हो गए ग्रेट किंगडम के नेचुरली. वो भी भाई हमारे अर्थ में 200 मिलियन साल लगे थे भाई. 200 मिलियन साल, 200 मिलियन में कितने जीरो होते पता भी है? इट वॉज मोस्ट लाइकली डन बाय वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड या दैट्स इट. इतना ही था मेरा थ्योरी ये वीडियो में. आई डोंट नो वाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि तगड़ा व्यूज़ आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या पता भाई, मे बी, हु नोज. ऐसे बकवास थ्योरीज और सुनने हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन सब कर दो. एंड आई एम सॉरी मैं इतने आराम आराम से वीडियो नरेट किया. ब्र लेट मी बी हैप्पी विद माई वॉच टाइम, ठीक है? मैं वैसे भी बस मेक श्योर करना चाहता था कि तुम्हें ये थ्योरी थॉरोली समझ आए. वैसे मुझे पता है बहुत हराम कोर 1.5x या 2x में देख रही होंगे वीडियो. आई कॉट यू, ठीक है? चलो मैं निकलता है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में ही आवाज़ सुनने मिलेगी. तो बाय बाय.